आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइज मैं बताने वाला हूँ स्पोर्ट्स बर्ड्स 11 ऐप के बारे में। और इस वीडियो में गाइज मैं बताऊंगा कि स्पोर्ट्स बर्ड्स 11 ऐप में अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे, स्पोर्ट्स बर्ड्स 11 ऐप में गाइज यहाँ पे टीम कैसे बनाएंगे, टीम बनाने के बाद गाइज उसमें पैसा कैसे लगाएंगे, साथ ही गाइज स्पोर्ट्स बर्ड्स 11 में KYC कैसे करेंगे, यानी मैं इस वीडियो में गाइज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा स्पोर्ट्स बर्ड्स 11 ऐप के बारे में कि गाइज इसमें आपको किस प्रकार से गाइज यहाँ पे खेलना है, किस प्रकार से गाइज इसमें टीम बनाना है, साथ ही इसमें गाइज आप रेफर कैसे करेंगे, यानी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग स्पोर्ट्स बर्ड्स 11 ऐप से पैसा कैसे कमाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पे देखेंगे आपके सामने गाइज यहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे आपको लिंक देखने को मिलेगा, उस लिंक पर टैप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स बर्ड 11। सिंपली आप लोग उस ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल करके पहली बार वो ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गाइज आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को डालेंगे और यहाँ पे गाइज यहाँ पे टर्म कंडीशन पे टिक करेंगे। सिंपली गाइज यहाँ पे लॉगिन विच OTP के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आप लोग के नंबर पे OTP आएगा। जैसे OTP डालेंगे यहाँ पे गाइज आपको डालना यूजर नेम, यहाँ पे रेफर कोड और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, और नीचे में गाइज आपको देखने को मिलेगा रेफरल कोड जो कि गाइज यहाँ पे आपको रेफर कोड डाल देना है। और यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे आपको टर्म कंडीशन पे टिक करके साइन अप वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद गाइज एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब गाइज मैं आपको तो बता दिया कि आप लोग किस प्रकार से स्पोर्ट्स बर्ड्स 11 ऐप में अपना अकाउंट बनाएंगे। अब इस वीडियो में गाइज मैं बात करता हूँ कि गाइज इसमें किस प्रकार से गाइज इसमें आप टीम बनाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे। सबसे पहले देखेंगे आज वाला मैच देखने को मिलेगा बेंगलोर वर्सेस यहाँ पे गाइज यहाँ पे कोलकाता के बीच में। सिंपली इस मैच में जाएंगे, इस मैच में जाने के बाद गाइज यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, नहीं तो आपको गाइज यहाँ पे माई टीम वाला एक ऑप्शन दिखेगा। माई टीम के ऑप्शन पे जाएंगे तो गाइज यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट टीम का, इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा विकेट कीपर, ऑलराउंडर, यहाँ पे बैट्समैन और यहाँ पे बॉलर। तो मैं यहाँ पे गाइज एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे ऑलराउंडर में आके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाइज, मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, फिर बैट्समैन में आके मैं 3 ले लेता हूँ और फिर मैं गाइज यहाँ पे बॉलर में आके मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइज देखेंगे कि मेरा कुछ इस प्रकार से टीम रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे गाइज आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है तो मैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर लेता हूँ। सिंपल गाइज यहाँ पे सेव टीम पे जाएंगे तो मेरा गाइज यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से टीम रेडी हो चुका है। तो स्पोर्ट्स बर्ड 11 ऐप में कुछ इस प्रकार से गाइज आप यहाँ पे टीम क्रिएट कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें गाइज मैं बात करता हूँ कि आप लोग इसमें कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करेंगे। जैसे इसमें जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिखेगा, इसमें गाइज आपको फ्री वाला भी कॉन्टेस्ट दिखता है क्योंकि यहाँ पे गाइज यहाँ पे आपको कभी कभी जो है गाइज यहाँ पे फ्री वाला भी कॉन्टेस्ट दिखता है। तो आप यहाँ पे गाइज फ्री वाला भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको गाइज यहाँ पे फ्री वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए गाइज आपको यहाँ पे पहले आना होगा, नहीं तो गाइज आप यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप लोग को इसमें जैसे मैं यहाँ पे 20 रुपये वाले में जाता हूँ तो मैं यहाँ पे लगाने के लिए इसमें चूज कर नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करता हूँ ऐड। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे गाइज KYC करना होगा क्योंकि अगर जब तक आप यहाँ पे KYC नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट को नहीं लगा पाएंगे। सिंपली यहाँ पे क्यू स्टेटस पे जाएंगे और वहाँ से जाकर आप KYC कर सकते हैं जो कि बस गाइज यहाँ पे 2 से 5 मिनट में आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वीडियो में गाइज मैं बात करता हूँ रेफर कैसे करेंगे। रेफर करने के लिए सिंपली गाइज आपको सबसे पहले रेफरल कोड देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको शेयर मोड ऑप्शन पे जाना है। मैं यहाँ पे सिंपली टेलीग्राम पे टैप करता हूँ और यहाँ पे गाइज मैं जाकर मैं अपने दोस्त को सेंड करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से गाइज आपको यहाँ पे देखेंगे लिंक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गाइज आपको देखने को मिलेगा गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा गाइज यहाँ पे आप लोग का रेफर कोड। तो इस प्रकार से गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे अपने लिंक को बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि रेफर का पैसा कहाँ मिलता है। आपको पर रेफर मिलता है 500 रुपये, लेकिन गाइज आपको बोनस कैश मिलता है जो कि बोनस का कोई भी गाइज यहाँ पे यूज नहीं है। तो इस प्रकार से गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे किस प्रकार से स्पोर्ट्स बर्ड्स 11 ऐप में गाइज अपना अकाउंट बनाएंगे, कैसे रेफर करेंगे, कैसे KYC करेंगे और कुछ इस प्रकार से गाइज यहाँ पे टीम बनाकर पैसे की अर्निंग कर पाएंगे। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।